हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किताब। मैं हूँ सुष्मिता। आज मैं आप लोगों को तुराई के जो छिलके होते हैं ना, उसकी चटनी बना के बताने वाली हूँ। चलो देखते हैं। तुराई के छिलके की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए तुराई का छिलका, ऑनियन, टोमेटो, लेमन, ग्रीन चिल्ली, जिंजर एंड गार्लिक एंड कोरिएंडर लीव्स। अब हम एक तवे पे थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे और उसमें तुराई डाल लेंगे, तुराई का छिलका, ठीक है। क्योंकि हम ये वेस्ट करते हैं तो इसीलिए हम इसकी भी चटनी बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी रहेगी। देखिए गाइज, मैंने अभी इसमें टोमेटो, ऑनियन, जिंजर एंड गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली सारे ही ऐड कर लिया है। अभी इसे मैं एक 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं इसे ठंडा कर एक जार में निकाल लूंगी। उसके बाद में मैं लेमन निचोड़ लूंगी उसमें, और कोरिएंडर लीव्स, हल्दी, मिर्च, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1 स्पून ऑयल और वाटर ऐड करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। और अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद राई जीरा, लहसुन, करी लीव्स और थोड़े से चने की दाल, उड़द की दाल ऐड करके अब मैं उसमें ऑनियन डाल लूंगी और उसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा फ्राई हुए बाद में मैंने थोड़ा चुटकी भर हल्दी ऐड कर लिया है, और जो पीस कर रख ली थी मैं चटनी वो इसमें ऐड कर लूंगी, और कोरिएंडर लीव्स डाल लिया है। ये रेडी टू ईट है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।